मैं एक चीज़ को मिस कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा। जब था उस टाइम पे मैं इतना प्रैक्टिस नहीं करता था, बट अभी नहीं है तो मिस कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था अभी मैं बैठ के गिटार की प्रैक्टिस कर लेता, बट हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आप सब कैसे हो? आई विश सब अच्छे ही हो गए। तो गाइस, आज मैं ब्लॉग का स्टार्ट दिन में कर रहा हूँ स्कूल से आकर। और स्कूल जाने टाइम इसलिए नहीं कर पाया था बिकॉज आज मैं स्कूल के लिए बहुत ही लेट हो गया था, क्योंकि आज मेरे कपड़े ही नहीं मिल रहे थे सुबह सुबह, और कपड़े ढूंढते ढूंढते मेरा लेट हो गया, तो इसलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट करने ही भूल गया और जल्दी जल्दी मैं चला गया स्कूल। और स्कूल जाकर मैंने, मतलब कि मेरा तो फ़ोन मैंने ना चार्ज में लगाया था, बट बटन ही ऑन करना भूल गया, तो मेरे फ़ोन में 2% बैटरी थी जब मैं सुबह लेके जा रहा था। और स्कूल में तो वो डेड ही हो गया, और उसके बाद मैं कोई वीडियो स्कूल में भी नहीं शूट कर पाया। बट आज हमारे मतलब कि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 16 से, तो आज बेंच सेटिंग हो रही थी, तो हमें बच्चों को 6th पीरियड से फ्री कर दिया था, तो मतलब 2 पीरियड फ्री मिले थे हमें। तो मैं गिटार लेके गया था स्कूल, तो हम बाहर बैठ के मतलब कि जैमिंग टाइप कर रहे थे, कि सारे गा रहे थे बच्चे मेरी क्लास के जितने भी थे, तो हम गा रहे थे। तो हमने एक लड़के की मतलब मेरा फ्रेंड ही है, तो हम एक दूसरे के मतलब कि लगा रहे थे, मतलब लगाना मतलब बेइज्जती कर रहे थे। तो हमने एक अपने फ्रेंड की बेइज्जती करी, तो उसके ऊपर गाना गा रहे थे, बट जिस फ़ोन से हमने रिकॉर्ड करा ना उसमें अच्छे से आवाज़ ही नहीं गई, पता नहीं क्यों, उसका माइक अच्छा नहीं था इसलिए पता नहीं क्यों, तो उसमें आवाज़ तो नहीं आई। बट मैं वीडियो आपको, आप देख लेना खुद ही कि कैसी है वीडियो। तो हम ज़्यादा नहीं शूट कर पाए क्योंकि मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, तो इस कारण। तो अभी मैं जा रहा हूँ, कुछ खाता हूँ, मतलब कि लंच करता हूँ, स्कूल से आया हूँ थका थका, तो कुछ खा के मिलता हूँ आपसे भाई। और आप वीडियो देख लेना जो सी भी, मैं हल्की सी क्लिप डाल दूंगा, वो 15 सेकंड कुछ की वीडियो बनाई थी बस, तो देख लेना और मैं मिलता हूँ आपको बाद में। बाय। वीडियो स्टार्ट हो गई है, तू तो गाने का शुरू कर। सबसे पहले चेकअप दे रहे हैं। वन, मरवाएगा तू, पिटवाएगा तू, मत कर मत कर मत कर मत कर, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, यार नहीं जो करो आये रे बन के मारो मेहमान, डर की जो करो आये फोकस ड्राग होते। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो खाने में है दाल चावल और ये आलू के। सो गाइस, ये फटाफट खाते हैं और फिर आपको मिलते हैं। ओके गाइस, सो अभी मैंने खाना खुना खा लिया है और अभी हम जा रहे हैं बैंक से पैसे निकलवाने। कढ़ी चावल खाए थे ना? दाल चावल। तो और हम पैसे इसलिए निकलवाने जा रहे हैं क्योंकि जो सामान आया था लकड़ का, उसकी पेमेंट कर, नहीं 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 उसकी पेमेंट करनी है। ये चेक हमें सड़क पे पड़ा मिला था गाइस, देखेंगे कोई पकड़ तो नहीं लेगा ना। तो हम जा रहे हैं, और इधर सामने से एक बहुत बड़े प्रो प्लेयर आ रहे हैं, आपको मिलवाते हैं इनसे। तो ऐसा रहा जिसको लग गया जी, आरडी वाले बच्चे आ रहा सर जी। अच्छा, ये वाले में पढ़ते नहीं होंगे। सो गाइस, हम चलते हैं फटाफट पैसे निकलवा लेते हैं, नहीं तो बैंक बंद हो जाएगा क्योंकि टाइम हो चुका है 3:20, तो इसलिए चलते हैं फटाफट, नहीं तो बैंक बंद हो जाएगा। तो मिलते हैं गाइस। ओके गाइस, सो मैं घर पर आ चुका हूँ पैसे निकलवा कर, और अभी मैंने मम्मी को दे दिए पैसे, अब वो पापा को दे देंगे और फिर उनकी पेमेंट भी कर देंगे। जो लकड़ का सामान वगैरह आया था उनकी पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करी थी, तो इसलिए पैसे बैंक से निकलवाने गया। तो सारे काम कर दिया मैंने, अब घर पे मैं आराम से मज़े से लेटूंगा, और फिलहाल मेरे को भूख लग गया है इधर उधर कर करते, तो देखता हूँ कुछ बनाता हूँ। वैसे आज मैं दूध लेने भी नहीं गया क्योंकि टाइम 4 बज चुके थे, तो इसलिए मैं दूध लेने भी नहीं गया, और ओट्स बनाने के लिए मेरे को अभी दूध भी लेने जाना पड़ेगा दुकान पर। तो फिर हम चलते हैं, मम्मी से पैसे लेता हूँ मैं, फिर दूध लेके आते हैं। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। ओके गाइस, सो अभी फ़िलहाल किचन का काम थोड़ा आधा हो गया, मतलब ये देखो इस बार तो आधा हो गया, ये ऊपर अभी ये लगने बाकी हैं, और इस साइड भी मतलब इधर बना दिए हैं ये सब चीज़ें, बट अभी लगाई नहीं है,
तो अभी आज बस इन दोनों के लगाया और ये नीचे भी एक ये और एक ये लगाया। और ये बनाया था जो मैंने आपको बोला था यहाँ पर चिमनी टाइप बनेगा, तो ये बनेगा। अब इसके अंदर पता नहीं कैसे मतलब कि एग्जैक्ट होगा, मेरे को जहाँ तक पता है मेरे को इसमें एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे और पाइप के थ्रू यहाँ से फिर यहाँ पे भी तोड़ देंगे, फिर इसके थ्रू पता नहीं कैसे कैसे निकाल के ऐसा कुछ बनेगा, अच्छे से नहीं पता मेरे को। और ये देखो किचन का सारा सामान ऐसे इधर बिखरा हुआ है और अब फिलहाल खाना यहाँ पर बनाते हैं क्योंकि इधर तो काम हो रहा है। और इस बार यहाँ पर गेट लग जाएगा क्योंकि इधर ना चूहे बहुत, चूहों ने बहुत परेशान किया था, तो उसके कारण पापा ने फ्रस्ट्रेट होके कहा कि गेट ही बनवा देंगे, यहाँ किचन को बंद कर देंगे, रात को चूहे आ जाते हैं। तो इधर का ये हो गया। और अभी फ़िलहाल देखो इस बार अभी लकड़े वहाँ रखी हुई क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी, तो इस बार वहाँ पर रखा हुआ है। ये जो नया सामान आया था ये है और आधा सामान बाहर भी पड़ा हुआ है, तो इतना काम हो चुका है। और हम यहाँ घूम रहे हैं और अभी तक गाइस मैंने कुछ खाया नहीं और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है मेरे को। और शीशा भी देखो कितना साफ हुआ पड़ा, इतना साफ शीशा तो मैंने देखा ही नहीं। तो गाइस आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, ऐसे जिम का टाइम होने वाला है, 6 बज चुके हैं, 7 बजे जिम जाना होता है, तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके गाइस, सो अभी हमारा जिम का टाइम हो गया है, जिम का टाइम मतलब कि हम जिम 7 बजे जाते हैं और टाइम हो रहा है 7:30 बज चुके हैं, तो चलते हैं फटाफट जिम। और मैंने अभी कुछ खाया भी नहीं है क्योंकि खाया इसलिए नहीं, मैंने मतलब वैसे खाना खा लिया था जो मैं बोल रहा था ना, मेरे को भूख लगी है तो मैंने खाना खा लिया था, बट वैसे कुछ नहीं खाया कि जैसे ओट्स बना के खा लेता था वो नहीं खाया मैंने, रोटी खाई थी और दाल खाई थी क्योंकि भूख लग रही थी मेरे को, तो इसलिए मैंने वो खा लिया। तो अभी हम चलते हैं जिम के लिए, मम्मी तो ऊपर कपड़े धो रहे हैं, मैंने पंखा बंद कर दिया। अभी मैं जाके रास्ते में से केले लूँगा थोड़े से 3-10 के और वही खा के चल जाऊँगा, तो मैं मिलता हूँ आपको। और कॉल भी आ गया विशाल का, तो मिलता हूँ, बाय। ओके गाइस, सो मैंने जिम से आके डिनर वगैरह भी कर लिया, डाइट भी ले ली थी और अभी मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। बट अभी मैं एक चीज़ को मिस कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा, जब था उस टाइम पे मैं इतना प्रैक्टिस नहीं करता था, बट अभी नहीं है तो मिस कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था अभी मैं बैठ के गिटार की प्रैक्टिस कर लेता, बट आज मेरा गिटार स्कूल में ले लिया, और इसलिए लिया क्योंकि हम मस्ती कर रहे थे तो मेरा फ्रेंड एकदम से ज़ोर ज़ोर से गाने लग गया, हम मतलब कि पूरा हंसा मजाक कर रहे थे, तो इस कारण बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरा फ्रेंड गाने लग गया जो और बेस हुआ टाइप हंसाने के लिए सबको। तो इधर से प्रिंसिपल सर को आवाज़ चली गई, वो आ गए और उन्होंने मेरा गिटार रख लिया, तो ये गिटार ऑफिस में रख दो, और हमें डांट भी लगी तो गिटार ले लिया उन्होंने, दिया नहीं, तो इसलिए अभी मैं बहुत मिस कर रहा हूँ गिटार को। तो अभी मैं कुछ करने को तो है नहीं, अब मैं जाऊँगा सोने के लिए, कल की तो छुट्टी है स्कूल की क्योंकि कल गुरुपुरब है। तो हम अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी प्लीज़ शेयर कर देना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।